मुझे पता है आप लोग यहाँ पर क्यों हो, आपके पास आइडियाज तो बहुत हैं, पर ये नहीं पता कि उसको कंप्लीट स्क्रिप्ट में कैसे बदलते हैं। अब चाहे आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हो या कोई मूवी ही क्यों ना बना रहे हो, एक छोटे सी आइडिया को कैसे एक स्क्रिप्ट में बदलते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। तो पहली चीज से शुरुआत करते हैं। किसी भी बढ़िया स्क्रिप्ट की शुरुआत जो होती है ना, वो एक इंस्पिरेशन से होती है। अब वो इंस्पिरेशन आपको किसी से बातचीत करते टाइम, या कोई ड्रीम हो, या कोई सवाल जो आपके मन में अचानक से आया होता है, वहां से भी आपको एक बढ़िया सी इंस्पिरेशन मिल सकती है। दिस इज वेयर इट ऑल बिगिंस। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं उन्हें अपने पेपर पर लिख डालो। तो एक नोटबुक उठाओ और एक पेन उठाओ और लिख डालो जितने भी आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते हैं। ये मत सोचो कि ये आइडिया अच्छा नहीं है, परफेक्ट नहीं है, बस अपनी टारगेट ऑडियंस के इंटरेस्ट को देख के जितने भी आलतू फालतू आइडियाज आते हैं उन्हें लिख डालो, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता है। अब इन आइडियाज में कुछ आइडियाज होंगे जो आपको अच्छे लगेंगे, एंड दैट्स ओके, उसको आगे हम और रिफाइन करेंगे। अब इस आइडिया के साथ साथ ये भी सोचने की कोशिश करो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कैसा होगा, उसके आसपास का माहौल कैसा होगा, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, आपकी ये कहानी किसके बारे में है और कौन सी समस्याएं मेन कैरेक्टर को फेस करनी होंगी। अब ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर आपके आइडियाज जो होते हैं उनको शेप मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब आप अपनी जो स्टोरी का आउटलाइनिंग करते हैं उससे आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलती है और जो आपकी स्टोरी होती है वो लॉजिकल लगने लगती है। अब इस आउटलाइनिंग को हम 3 acts में डिवाइड करके समझते हैं, जिसमें एक्ट नंबर 1 है हमारा सेटअप, एक्ट 2 है कन्फ्रंटेशन, एंड एक्ट 3 इज रेजोल्यूशन। अब सेटअप में हम अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और किस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है ये चीज़ हम उसके अंदर बताते हैं, और साथ ही साथ उसकी लाइफ में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या परेशानियां आने वाली हैं उसके हिंट्स देते हैं। कन्फ्रंटेशन में आपकी लगभग सारी स्टोरी टेक प्लेस करती है, जहां पर आपके कैरेक्टर अपने चैलेंजेस से कैसे लड़ता है वो चीज़ दिखाते हैं, और साथ ही एक्ट 3 रेजोल्यूशन में आपकी स्टोरी खत्म होती है, जहां कैरेक्टर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेता है और अपना कैरेक्टर आर्क कंप्लीट कर लेता है। हमेशा एक कैरेक्टर को लिखते टाइम कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान जरूर देना। एक तो उसकी बैक स्टोरी पर, कि उसके पहले की जीवन कैसा था और उसकी वजह से जो अब की पर्सनालिटी है वो क्यों और कैसी है, इस पर जरूर ध्यान दें। और साथ ही साथ आपके कैरेक्टर का मोटिवेशनल गोल क्या है। अब जितना ज्यादा आप अपने कैरेक्टर के बारे में जानेंगे उतना ही ज्यादा वो ऑथेंटिक फील होगा आपके व्यूअर्स के लिए। जब आप अलग अलग कैरेक्टर्स को लिख रहे होते हैं तो ट्राई करना कि अपने कैरेक्टर्स के बोलने के तरीके और पर्सपेक्टिव को अलग अलग रखना, ये आपके डायलॉग्स को यूनिक और स्टोरी को डायनेमिक बनाता है। तो एक कैरेक्टर आर्क और एक तगड़ा सा कैरेक्टर कैसे लिखते हैं एक स्क्रिप्ट के लिए, आपकी स्टोरी के लिए, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना रखी है, तो इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद जाकर उसको भी देख लेना, ठीक। लेकिन पहले ये वाला वीडियो देखो। तो अब जब आपने अपनी स्टोरी का आउटलाइन लिख लिया है और अपने कैरेक्टर को भी लिख लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें डिटेल फिल करेंगे, ठीक है भाई, चलो। तो हमेशा स्क्रिप्ट और डायलॉग को लिखते टाइम अपनी स्टोरी को कंजर्वेशनल टोन में लिखो। अब भाई कंजर्वेशनल टोन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आम बोलचाल की भाषा में आप अपने स्क्रिप्ट और डायलॉग के लिखिए। इससे क्या होता है कि आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। इसमें स्लैंग्स का इस्तेमाल कीजिए और जो मुहावरे और ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो आम बोलचाल की भाषा में यूज़ होती हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। अब आपकी स्टोरी जो है ना वो एक बातचीत लगनी चाहिए, ताकि जो आपकी स्टोरी है उसमें एक रिलेटिबिलिटी ऐड हो सके। अब स्क्रिप्ट के अंदर लिखने का तरीका क्या है, कि जो भी आप सेंटेंस लिखो वो शॉर्ट होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए, ताकि स्क्रिप्ट को फॉलो करना आसान हो आपके लिए। अभी क्विक टिप, कि जब आप अपनी स्टोरी को लिख लेते हैं या स्क्रिप्ट को लिख लेते हैं तो उसको जोर जोर से पढ़िए, ताकि आपको पता चल सके कि अगर उसमें कोई भी ऑकवर्ड फ्रेजेस हैं तो आप उसको चेंज कर सकें, और जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि आपकी स्क्रिप्ट नेचुरली फ्लो कर रही है तब तक उसमें चेंजेस करते रहिए। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यूइंग एंड एडिटिंग। जब आप अपनी स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो जाओ कहीं घूम टहलाओ भाई, जाओ मैच वैच खेलाओ, कुछ क्रिकेट विकेट खेलाओ, और वापस आओ अपने एक फ्रेश माइंड के साथ, ताकि अपनी स्टोरी में जो कोई भी गलतियां हैं वो आप अपने फ्रेश माइंड के साथ उसको पकड़ सको। अपनी स्क्रिप्ट को फिर से पढ़ो, नोट्स बनाओ कि कौन सा पार्ट वर्क करेगा और कौन सा पार्ट वर्क नहीं करेगा, किस एरिया में अभी और क्लैरिटी की जरूरत है, ये सारी चीजों का नोट्स बनाओ और पता लगाओ। अब साथ ही अपने स्क्रिप्ट को लिखने के बाद अपने फ्रेंड्स या फेलो क्रिएटर्स को अपनी स्क्रिप्ट पढ़ाओ और उनसे उसके बारे में फीडबैक लो, क्योंकि दूसरों का पर्सपेक्टिव कई बार वो चीज कैच कर लेता है जो हम खुद से नहीं कर पाते हैं। एंड देयर यू हैव इट, योर स्क्रिप्ट इज रेडी टू गो। अब एक आइडिया को स्क्रिप्ट में बदलना शुरुआत में काफी मुश्किल लग सकता है, पर इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो कम से कम आपको शुरुआत करने का एक बेस तो मिल ही जाएगा। तो अगर भाई अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखा है ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और हाँ, एक बात और, वीडियो का स्क्रिप्ट बनाना, मतलब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट बनाना तो समझ में आ गया, अब शूट कैसे करना है वो नहीं पता है, तो उसके लिए ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।